हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लेक्चर 6 पढ़ चुके हैं, आपको इसकी लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या फिर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इसकी लिंक सारे चैप्टर्स क्रम वाइज मिल जाएंगे आपको, ऑर्डर टू ऑर्डर हर लेक्चर मिल जाएगा जो कि कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है, ये हमने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स हल। फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स हल क्या होता है? तो पहले सिंपली हम जनरली पढ़ लेते हैं, बाद में इसको हम डिफाइन कर देंगे कॉन्वेक्स हल क्या होता है। फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स हल एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी सेट को कॉन्वेक्स बनाता है। कोई भी सेट हो और वो कॉन्वेक्स नहीं है तो उसको कॉन्वेक्स बनाएगा, और कॉन्वेक्स सेट है तो खुद में कॉन्वेक्स हल होगा। यानी कि अब हम इसकी डेफिनेशन कर दे सकते हैं कि कॉन्वेक्स हल क्या होता है। तो कॉन्वेक्स हल होता है अ स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट विच क्रिएट एनी सेट कॉन्वेक्स। यानी कोई सेट है हमारे पास, वो अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो उसको कॉन्वेक्स बनाने के लिए, यानी उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को उसी में लाने के लिए हमारे पास कौन सा सेट होगा। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सर्कल। तो फिर सर्कल एक कॉन्वेक्स सेट है, हम जानते हैं सर्कल जो होता है एक कॉन्वेक्स सेट होता है, क्योंकि इसके साथ किसी भी दो पॉइंट्स को मिला लीजिए तो वो पॉइंट्स इसी में आएंगे, ये कॉन्वेक्स सेट होता है। तो इसका जो कॉन्वेक्स हल है खुद सर्कल यही होगा, सेम होगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एक सर्कल ही होगा। अब जैसे हम ले लेते हैं स्टार। हम फ्रेंड्स ये ले रहे हैं, अब फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो इसको कॉन्वेक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपली इन लाइन्स को मिला दीजिए तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो मतलब इस जो ये कॉन्वेक्स सेट, ये सेट जो था पहले वाला, उसका कॉन्वेक्स पूरा वाला सेट ये हो गया, इसको इंक्लूड कर लिया तो ये कॉन्वेक्स हो गया। तो इस तरह से पूरा सेट जो होगा कॉन्वेक्स हल होगा। जैसे अगर हम लें ये एक पार्ट लिया है हमने एक स्क्वायर का, और अब इसको हम देख लें कॉन्वेक्स बनाने के लिए क्या करना होगा। कॉन्वेक्स बनाने के लिए क्या करना होगा? सिंपली इन पॉइंट्स लाइन का, इन पॉइंट्स का जो लाइन सेगमेंट है वो हमें ऐड करना होगा। तो इसका मतलब इस स्क्वायर को पूरा करना होगा। तो इस स्क्वायर को पूरा करने पे हमारे पास जो सेट है, इस जो पहले वाले जो हमने ये बनाया था इस सेट का जो कॉन्वेक्स हल जो आया वो ये है। यानी कॉन्वेक्स हल एक ऐसा सेट है जो उस पॉइंट्स को कॉन्वेक्स बनाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से डेफिनेशन दे रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या दे सकते हैं हम। अ कॉन्वेक्स सेट सी एक्स ऑफ एनी गिवन सेट, गिवन सेट जो है वो कॉन्वेक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है फ्रेंड्स, ऑफ पॉइंट्स एक्स इज द सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स। यानी जो एक्स सेट था, जो एक्स सेट था उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट है जिसको हमने सी एक्स डिफाइन किया है, वो एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा। अब इसके साथ ही हम कुछ और भी डिफाइन के यहाँ से बता सकते हैं क्या हो सकता है। फॉर एनी सेट एक्स सबसेट ऑफ आर एन वी है, क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट, एक्स इज कॉन्वेक्स सेट, एंड तो इसका मतलब एक्स सबसेट ऑफ एंड
एफ डब्ल्यू जो कि सबसेट, इसका सबसेट है, जो डब्ल्यू कोई बड़ा सेट है, और टी सॉरी एक्स बी आ कॉन्वेक्स सेट, देन जो एक्स होगा वो सबसेट ऑफ डब्ल्यू होगा, यानी कोई डब्ल्यू सेट है जो कि एक्स से बड़ा है, तो इसका जो कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स हल होगा वो इसका सेट होगा, यानी जो एक्स इसका कॉन्वेक्स सेट जो है वो इसका एक सबसेट होगा। तो इस तरह से इस दो कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रॉब्लम में कहीं डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप ही करना है मुझे, व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, एंड मेरी जीमेल आईडी है वो है hitesh@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स।